सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि इनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन होंगे और ये फाइंड एक्स सीरीज के अंदर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस साल आपको फाइंड एक्स 2 सीरीज देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके सक्सेसर के बारे में। तो यहाँ पर दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, फाइंड एक्स 3 और दूसरा फाइंड एक्स 3 प्रो। इस स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पे हम बात करेंगे इनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इनके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में और इनके लॉन्च डेट के बारे में। तो स्वागत है हमारे चैनल पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ बैक में पॉलीकार्बोनेट कवर देखने को मिलेगा और फ्रेम एल्युमिनियम का दिया गया है और बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप और काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है स्मार्टफोन का। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 6.7 इंच का HDR10+ AMOLED डिस्प्ले। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और प्रोटेक्शन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 88 चिपसेट। ये चिपसेट 5nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, कलर OS 11 एंड एंड्रॉयड 11 पर रन करता है। 12GB का रैम वेरियंट, 256 और 512GB UFS 3.1GB का स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहीं क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है, प्राइमरी 50MP का वाइड, 13MP का टेलीफोटो, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 3MP का माइक्रो कैमरा सेटअप दिया गया है और इसमें आपको सोनी का सेंसर और OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। फ्रंट में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो कैमराज वाइज भी आपको काफ़ी कमाल का कैमरा सेटअप इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 45,000 mAh की बैटरी और इसमें आपको 65W की फास्ट चार्जिंग, 30W का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। वहीं कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 3.5mm ऑडियो जैक नहीं दिया गया है और इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इन स्मार्टफोन के बारे में। अब बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो ये मार्च के महीने में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसे ही टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।